निजी स्कूल संघ महामंत्री राजेश ठाकुर ने निजी स्कूलों पर आए दिन फीस वृद्धि को लेकर की जा रही बातों पर एतराज जताया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है कि निजी स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं तो सरकार निजी स्कूलों की सुविधाओं के अनुसार फीस तय करे। हिमगुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर के प्रबंध निदेशक राजेश ठाकुर ने निजी स्कूलों पर आए दिन फीस वृद्धि को लेकर की जा रही बातों पर कड़ा एतराज जताया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है कि निजी स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं तो सरकार निजी स्कूलों की सुविधाओं के अनुसार फीस तय करे। एच टुडे से खास बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार आए दिन औचक निरीक्षण करवा रही है, जिससे निजी स्कूल में शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ही निजी स्कूल एसोसिएशन ने डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था और इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार की नीतियों को न मानने की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना कर रहा है और इसके लिए 22 अप्रैल को शिमला मुख्यालय में जाकर वार्ता की जाएगी। राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो सरकार को स्कूल की चाबियां सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि अब हद हो चुकी है और स्कूल प्रबंधक पूरी तरह से परेशानी की दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है और अगर स्कूल बंद होते हैं तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की बनेगी। ये है सरकार से कि सरकार को अगर ये लग रहा है कि निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमाने ढंग से फी एंट रहे हैं तो सरकार ही इसके लिए एक नियम तय कर दे। सरकार अपने मापदंड के अकॉर्डिंग बता दे कि हमारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग और जितनी टीचर्स को हम सैलरी दे रहे हैं और अन्य सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर हम इतनी बढ़िया सुविधाएं और एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सरकार इसके लिए एक फी स्ट्रक्चर तय कर दे। हम तैयार हैं, उस फी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ये भी तय करे कि सरकार एक बच्चे के ऊपर 66 से ऊपर 6,500 रुपए से ऊपर प्रतिमा खर्च करती है। क्या हम 6,500 रुपए प्रतिमा फी ले सकते हैं? अगर हम ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन हम रन करेंगे और सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार अपने आप फी तय करे। आए दिन इस तरह के नियम बनाना, प्रतिदिन आए दिन नई इंस्पेक्शन स्कूलों में कराना, इससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होती है और एक सोसाइटी में इनसिक्योरिटी का एक माहौल फैला हुआ है। ठीक है, पेरेंट्स को लग रहा है कि शायद प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, पर जैसे कि जैसे सरकारी व्यवस्था को देखा जाए तो सरकारी बसेज चलती हैं, उसमें HRTC की बसेज चलती हैं, जिनमें साधारण बसेज का किराया अलग होता है, वॉल्वो बस का किराया अलग होता है। सरकार के जितने भी इम्प्लॉय लोग हैं वो अपनी सैलरी के लिए, अपने प्रमोशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो छोटा से छोटा एक पेपर मार्किंग के जो पैसे हैं उसके लिए भी सरकारों के आगे गिड़गिड़ाते हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल के लोग जो पेपर मार्किंग करते हैं, कभी उन्होंने पैसे नहीं मांगे। हम प्रैक्टिकल लेते हैं बच्चों के, कभी बोर्ड के लिए हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने उन पैसों के लिए क्लेम नहीं किया और मेहनत कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। सरकार के पिछले वर्ष जो मेधावी बच्चे थे उनको लैपटॉप आने थे सरकार की स्कीम के तहत, तो वो लैपटॉप अभी तक मिल नहीं पाए हैं। सरकार की जितनी नीतियाँ हैं वो सारी नीतियाँ क्या प्राइवेट स्कूल के ऊपर ही लागू होती हैं? क्या प्राइवेट व्यवस्था के ऊपर ही लागू होती है? इसलिए सरकार को इस बात में ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल के लिए जो नीति बनाई जाए उसमें प्राइवेट स्कूल के पदाधिकारियों को भी सामने रखा जाए, उनसे सहमति के अकॉर्डिंग ही इस तरह की नियम बनाए जाएं। अन्यथा प्राइवेट स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। 22 तारीख को भी प्राइवेट स्कूल के पदाधिकारी शिमला में डायरेक्टर से मिलने जाएंगे और इसके विरोध में एक बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। त्रिपुर में माननीय डिप्टी डायरेक्टर महोदया के माध्यम से आदरणीय डायरेक्टर महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि सरकार हमें अगर सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, सरकार हमारे स्कूलों को किसी तरह की ग्रांट नहीं दे रही है, तो सरकार को क्या अधिकार है हमारे स्कूलों की फी तय करने का? और इस तरह की नीतियों को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये जो अनन फानन में उन्होंने इंस्पेक्शन करना तय कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं, तो इसके विरोध में हम एक बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं और उसके लिए 22 तारीख को सभी विद्यालय प्रबंधक, यही नहीं जिला हमीरपुर नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं डायरेक्टरेट जाएंगे और डायरेक्टर महोदया से इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम सब लोग स्कूल की चाबियां सरकार के पास सौंप देंगे, सरकार ही चला ले स्कूल और देख लें कितना प्रॉफिट है कितना नुकसान है। बड़ी मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यालय प्रबंधक लोन से बचा हो,
लगभग 25 से लेकर 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के लोन लेके इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। सरकार उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं, किस कई तरह के लोन हमारे बेरोजगार लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल संचालन कर रहे हैं उनके लिए कोई इस तरह का कोई लोन भी नहीं है जिसमें सब्सिडी हो। एक बड़ी इंडस्ट्री इसको मान सकते हैं जहां पर इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया है। ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन को अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हर एक छोटे से छोटे स्कूल में 15 से 30 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। तो क्या अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो उनको सरकार रोजगार दे देगी? कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।